जय मसीह की चर्च, आप लोग बैठना चाहेंगे तो बैठ सकते हैं। मैं थोड़ा सा वचन में से बांटूंगी। कुछ दिनों से परमेश्वर ये बात मेरे दिल पे डाल रहा था और आज सुबह खास कर परमेश्वर ने ये बात डाली तो मैं आप लोगों के साथ बांट रही हूँ। ये वचन है फेथफुल, हिंदी में बोलते हैं विश्वास योग्य या विश्वास योग्यता। फेथफुल का क्या मतलब है? Remaining loyal and steadfast. हिंदी में loyal का मतलब वफादार और steadfast अडोला, वफादार। जैसे हम बोलते हैं कुत्ते को वफादार बोलते हैं वैसे, मगर ये जो वफादारी होती है रिश्तों में बड़ा ही जरूरी होता है। हम सबको इसका डेफिनेशन पता है जब रिश्तों में ये बात आती है, कैसे एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ वफादार रहना चाहिए। अडोला, यहां से डोला वहां से डोला नहीं करना है। अगर हम किसी काम में हैं, परमेश्वर ने हमें किसी चीज किसी काम में बुलाया है, जब आसान पड़े काम करो, नहीं पड़े हट जाओ। परमेश्वर ने अगर हमें किसी चीज करने के लिए बुलाया है, करने का मन करे करो, नहीं मन करे मत करो। वो वफादार नहीं है, वो अडोला नहीं है। तो ये जो विश्वास योग्यता है, ये एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर हमारे अंदर ढूंढता है। हमारे रिश्तों में सबसे पहले जो वफादारी होती है, हमारा जो ये एक ट्रेट बोलते हैं, पवित्र आत्मा का एक फल होता है। और अगर ये वफादारी का फल हमारे अंदर है, चाहे वो परमेश्वर के साथ हो, चाहे वो हमारे आसपास के रिश्ते में हो, चाहे वो हमारे काम में हो, सब जगह हम वफादार या अडोले रहेंगे। एक वचन निकालेंगे, होशिया उसका एक का दो, होशिया एक का दो, ये पुराने नियम में है। होशे परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, तो परमेश्वर ने उसको एक बड़ा जरूरी, उसके जिंदगी में एक बड़ा जरूरी काम बताया किस तरीके से जिंदगी जीना है। होशिया एक का दो मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से कहा, जाकर एक वैश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वैश्या सा बहुत काम करता है। ये अजीब चीज नहीं है? हम कई बार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे किससे शादी करनी चाहिए, अगर परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया तो। मगर परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला? परमेश्वर कहता है क्योंकि ये देश ऐसा हो गया। परमेश्वर चाहता था कि होशे को वो दर्द समझ में आए जब एक ऐसी औरत से शादी करो जो विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को वैसा ही दर्द पहुंचता है जब हम परमेश्वर से विश्वास योग्य नहीं है। ये आगे अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसा बोलता है कि परमेश्वर को छोड़ के वो दूसरे भगवानों के पीछे चले गए हैं। परमेश्वर उसको वो जो एक ट्रेट है उसको विश्वासघात बोलता है, एडल्ट्री। परमेश्वर ने उसको वैश्यावृत्ति के साथ कंपेयर किया है। जब हम एक शादी में जाते हैं, कोई भी शादी करता है, अगर बीवी बोले तूने मेरे लिए, मेरे को तो अच्छी साड़ी अच्छी गाड़ी अच्छा घर चाहिए था, कोई और अमीर आदमी दिख गया, धीरे धीरे उसके पीछे चलने लग गया, वो विश्वास योग्य है, वो विश्वासघात है। ये जो होशे का पुस्तक है वो यही कहता है कि वो जो इसराइल है वो अपने तेल के लिए, अपनी आशीषों के लिए दूसरे भगवानों के पीछे चली गई है, और वो दर्द समझाने के लिए परमेश्वर ने होशे को बोला जाके एक वैश्या से शादी कर ले। कई बार जाने अनजाने में हम क्या कर बैठते हैं, परमेश्वर मुझे ये आशीष चाहिए, एक साल कोशिश कर लिया, दो साल, कुछ लोग तो एक महीना ही कोशिश करते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, नहीं हुआ कहीं और चल दिया। कभी हमने सोचा परमेश्वर के दिल को कैसा लगता है? ये जो विश्वास योग्यता है परमेश्वर हम सभी के अंदर
स्ट्रेट पर डालना चाहता है। एक और चीज, अगर हम बच्चों की बात करें, एक शादी का जो फल है वो है बच्चे। वचन ऐसा ही कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तुम अगर मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत फल लाओगे, मुझसे अलग तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब अगर हम यीशु मसीह में बने रहे तो हम आशीषों को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं। मगर हम क्या करते हैं, हम उन फलों के पीछे चले जाते हैं। हम परमेश्वर में नहीं बनते, फल नहीं दिखता, हम कहीं और चले जाते हैं। फल आने में भी टाइम लगता है। अभी अगर हम आम खोजने लगे तो आम मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरीके से परमेश्वर कहता है कि मुझ में बने रहो फिर तुम फल लाओगे। अगर एक पति पत्नी को बच्चा ना हो तो क्या वो दूसरी शादी करना चाहिए उनको, अलग हो जाना चाहिए? इस बात पे तो हम बहुत क्लियरली बोल देते हैं नहीं। मगर जब हमको आशीष नहीं मिलती, क्या हमको कहीं और चले जाना चाहिए? परमेश्वर उसको बोलता है विश्वासघात। परमेश्वर के दिल पे ये बात ऐसे लगती है। ये जो गीत हम अभी गा रहे थे, तुझे अनाथ भी ना छोड़ू एक मददगार भेजू, सुबह परमेश्वर ये गीत मेरे दिल में डाल रहा था। कई बार हम इतने अकेले होते हैं, शायद कभी कभार माँ बाप का भी हाथ हमारे सिर के ऊपर नहीं होता है, हमारे दिल में वो अकेलापन होता है। मगर परमेश्वर ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो बोलता है तुझे अनाथ ना छोड़ू एक मददगार भेजो। वो मददगार कौन है? पवित्र आत्मा। वचन ऐसा कहता है जब यीशु मसीह इस धरती से जा रहे थे, उन्होंने कहा तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक मददगार छोड़ूंगा। और प्रेरितों के काम में हमने वही देखा, पवित्र आत्मा आता है। तो अगर आप अकेले हैं तो परमेश्वर वो मददगार आपके लिए भेज रहा है, और उसने भेज दिया है। अगर आज तक आप उसको जानते नहीं है, उसको जान जाइए। ये गीत का आखिरी लाइन भी कहता है, अगर तू अकेला है तो परमेश्वर आज तेरे साथ होने को तैयार है। एक ये बात परमेश्वर ने मेरे को कई बहुत साल पहले भी बताया था, और हाल ही में भी परमेश्वर ने ये बात बताई। इसको बोलते हैं जूडस स्पिरिट, यहूदा। आई थिंक हिंदी में यहूदा बोलते हैं जूडस को। जूडस स्पिरिट जो आत्मा है, ये यहूदा की आत्मा है। जूडस ने क्या किया था? यीशु मसीह को बेच दिया, धोखा दे दिया यीशु मसीह को। क्या ये बात यीशु मसीह पहले से नहीं जानता था? फिर भी यीशु मसीह जानता था कि जूडा को पैसे से बड़ा प्यार है। मगर यीशु मसीह ने जो अपने पैसे का जो ट्रेजरी है, किसके हाथ में दिया था? यहूदा के हाथ में। क्यों? उसको पैसे का लालच था। मगर यीशु मसीह तो जानता था, मगर यीशु मसीह उसको एक चांस दे रहा था। चांस ये नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता कि वो कैसा है, यीशु मसीह ने उसको चांस दिया। ये जो यहूदा स्पिरिट है, ये विश्वासघात का स्पिरिट है। जिनके साथ हम खड़े हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ, चर्च, आस पड़ोस में परिवार, ये स्पिरिट क्या करता है? विश्वासघात कराता है लोगों से। और ये स्पिरिट परमेश्वर ने मुझे कुछ महीने पहले दिखाया था कि ये स्पिरिट काम कर रही है, करने वाली है। तो ये जो जूडस स्पिरिट है, यहूदा का हाशिए क्या हुआ था? उसने खुद अपने आप को लटका के मार दिया। कई बार जब कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है, बहुत चोट लगती है, बड़ा दुख होता है। मगर मुझे इस बात का ज्यादा टेंशन होता है, क्योंकि जो विश्वासघात करते हैं वो हमसे प्यार करने वाले लोग हैं, उनके साथ कुछ हो ना जाए। इसलिए हमको ये प्रार्थना करनी है, परमेश्वर ये जो यूदा का स्पिरिट है, जूडस स्पिरिट है, कि वो काम ना करे हमारे आसपास, हमारे लोगों में काम ना करे। ये जो जूडस स्पिरिट है, ये हमारे जीवनों के ऊपर से हट जाए। ये विश्वास योग्यता को हम समझें। कई बार हमारे शायद माँ बाप एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे, तो उसका जो चोट है वो अभी तक हमारे अंदर जाता है।
वो चोट हमारे अंदर बहता रहता है। मगर समझिए, ये एक आत्मा है। शैतान यही चाहता है कि ये चोटें लेके आप बैठ जाए, मगर परमेश्वर उन चोटों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको, अगर हमारे अंदर ये जो आत्मा का फल नहीं है, ये जो विश्वास योग्यता का फल है, परमेश्वर वो फल हमारे अंदर डाल सकता है। हम विश्वास योग्य बन सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 11:11। विश्वास से सारा ने आप बुढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हिंदी में, इंग्लिश में सच्चा की जगह विश्वास योग्य जाना था। परमेश्वर यीशु मसीह तो विश्वास योग्य है। सारा ने बुढ़ी होकर गर्भवती बनी, तो आपकी आशीषें अगर अभी तक नहीं आई, सारा तो 100 साल के आसपास पहुंचने वाली थी, तब जाके गर्भवती बनी। उससे पहले जल्दी में थी, तो क्या हो गया हाजरा के साथ। मगर वो कैसे गर्भवती बनी, वो जानती थी परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, इंतजार करने को हम तैयार हैं। हम भी उसकी तरफ विश्वास योग्य रहे, और किसी के पीछे और कहीं पर भागे ना कि मुझे अपना आशीष, अपना फल चाहिए, क्योंकि फल आता है परमेश्वर में बने रहने से, अटोला होने से। जिस चीज में परमेश्वर ने ठहराया है, उसी में बने रहने से, उससे वफादार होने से। हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमको वफादार बना। तू वफादार है, यीशु मसीह वफादार है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद करते हुए, जो अकेला है आज, वो परमेश्वर से मांग लीजिए, परमेश्वर मैं अकेला हूं। और आपने परमेश्वर वादा दिया है कि उस पवित्र आत्मा को, उस मददगार को आप भेजेंगे। परमेश्वर वो जो वफादारी का अनॉइंटिंग है, वफादारी का अनॉइंटिंग परमेश्वर आपके लोगों के ऊपर आए। हर बंधन को, हर विश्वासघात की आत्मा, हर जूडिस वाली आत्मा को तोड़े यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपकी तरह वफादार बनना चाहते हैं। वफादार परमेश्वर, वफादार, ताकि आखिर में आप हमसे कहो, परमेश्वर, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। कि आप आखिर में हमसे कहें, परमेश्वर बहुत अच्छा किया तूने, मेरा वफादार दास, वफादार दास। शायद मैं इतनी जल्दी आशीष को ना देखूं, मगर आप मुझसे कहेंगे, वफादार दास। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। आइए एक बार और इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर तू वफादार है, मुझे वफादार बना परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कितना हसीन वादा ये